हेलो नमस्कार दोस्तों, अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। हज यात्रा को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने हज सब्सिडी खत्म कर दी है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सरकार के इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2018 के हज में सब्सिडी नहीं दी जाएगी। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, हम सम्मान के साथ सशक्तिकरण करेंगे, हम तुष्टिकरण के साथ सशक्तिकरण नहीं करेंगे। अल्पसंख्यक समाज के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए ईमानदारी और मजबूती के साथ हम काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हज सब्सिडी 2018 के हज में नहीं रहेगी। इस बार आजादी के बाद सबसे ज्यादा हज यात्री हज करने के लिए जाएंगे। हज सब्सिडी का अल्पसंख्यक समाज के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए इस्तेमाल होगा। खासकर लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इसके इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े समाज को बराबरी का एहसास कराया जा सके। फैसले के विरोध के सवाल पर नकवी ने कहा, जब सम्मान के साथ विकास की बात कहते हैं तो फिर हज भी सम्मान के साथ होना चाहिए। सब्सिडी से मुसलमानों का नहीं, कुछ एजेंसियों का फायदा होता था। गरीब मुसलमानों के लिए हमने व्यवस्था की है। जल्द ही पानी के जहाज से भी हज यात्रा शुरू कराएंगे। सरकार लगातार हज यात्रियों के लिए सब्सिडी देती रही है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो सरकार ने साल 2013 में 680 करोड़, 2014 में 577 करोड़, 2015 में 529 करोड़ और साल 2016 में 405 करोड़ रुपए सब्सिडी के लिए दिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियो लाते रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बेल आइकन का बटन जरूर